हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है 13th एपिसोड ऑफ बादशाह स्लैम, और इस बादशाह स्लैम के वीडियो का टॉपिक है द न्यू शील्ड कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉक लेसनर, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड जे उसो। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि शील्ड फैक्शन जो थी वो काफी डोमिनेटिंग फैक्शन थी इन द रीसेंट टाइम्स। उसके बाद फिर जॉन मॉक्सली को जाना पड़ा है AEW में, और अब सिर्फ बचे हैं रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस, और वो भी है डिफरेंट ब्रांड्स में। और जैसे आपको पता है कि रोमन रेंस ने अपना बड़ा रिटर्न किया था समर स्लैम में, और तोड़ के रख दिया था फीन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन को, एंड पेबैक पेपरव्यू में उन्होंने एक टाइप से हील टर्न ले लिया था और जीत लिया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और वो बन चुके थे उसके पहले ही अब पॉल हेमन गाय। अब दोस्तों, रोमन रेंस एक तगड़े हील है, और अभी उन्हें चैलेंज करने के लिए फॉर क्लैश ऑफ चैंपियंस होने वाले हैं जे उसो, जो है उनके कजिन। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए रोमन रेंस के हील टर्न की, तो विंस मैकमैन रोमन रेंस के लिए काफ़ी सारे सरप्राइजिंग एक्साइटिंग फैक्टर्स लाने वाले हैं। और दोस्तों, अपडेट ये आई है कि रोमन रेंस ने ही सजेस्ट किया था विंस मैकमैन को कि उन्हें हील टर्न लेना है और जे उसो को पुश देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब तक जिमी उसो वापस आते हैं, तब तक जे उसो को एज अ स्ट्रॉन्ग सिंगल्स कंपेटिटर रोमन रेंस को पुश करना है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर रोमन रेंस एंड जे उसो का कनेक्शन नहीं तोड़ना है WWE को, तो फिर हो सकता है दोस्तों कि रोमन रेंस एक फैक्शन बनाए, और उस फैक्शन में पहले मेंबर हो सकते हैं उनके कजिन जे उसो। और दोस्तों, हमें देखने मिल सकता है कि ये कजिन के पैर तोड़ सकते हैं बाकी के कंपेटिटर्स को। और दोस्तों, बात करें द थर्ड व्हील की, जो होगा सबसे डेंजरस खिलाड़ी, वो होगा ब्रॉक लेसनर। जैसे आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर हमेशा हील ही होते हैं, और आपको पता है कि इस फैक्शन में रोमन रेंस एंड जे उसो होंगे, जहाँ पर रोमन रेंस तो हील है ही, और जे उसो भी हील टर्न ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। और आपको पता है कि पॉल हेमन गाय जो है वो है ब्रॉक लेसनर। तो दोस्तों, हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न करेंगे, तो फिर हमें विंस मैकमैन इन्हें रोमन रेंस की फैक्शन में डालते हुए देख सकते हैं। अभी आपको पता है कि सबसे बड़ा पेपर व्यू आने वाला है, जो है सर्वाइवर सीरीज, तो उसके लिए ब्रॉक लेसनर का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉक लेसनर रॉ में जाते हैं या फिर स्मैकडाउन में जाते हैं, जहाँ पर द बिग डॉग रोमन रेंस है। काफ़ी र्यूमर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर जा सकते हैं स्मैकडाउन में। तो दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर जाते हैं स्मैकडाउन में, तो हमें डेफिनेटली उनका रोमन रेंस का कोई ना कोई एंगल देखने मिल सकता है। और अगर इतने जल्दी ब्रॉक एंड रोमन की फ्यूड स्टार्ट नहीं करानी है विंस को, तो ये हो सकता है दोस्तों कि विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को डाल सकते हैं एज अ थर्ड मेंबर ऑफ द न्यू शील्ड ऑफ रोमन रेंस, और ऐसे फिर उसो, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की एक नई शील्ड बन सकती है, जिसको मैनेज करेंगे पॉल हेमन। एंड दोस्तों, इमेजिन दिस फैक्शन, ये फैक्शन सबको तोड़ के रख सकती है। तो अगर ये फैक्शन ऐसी ही बनकर अगर चलती है सर्वाइवर सीरीज तक, तो हमें इस फैक्शन वर्सेस सम अदर फैक्शन की मैच देखने मिल सकती है, या फिर रोमन रेंस की सिंगल्स मैच हो सकती है विद रॉ ब्रांड्स चैंपियन। तो दोस्तों, काफी मजा आएगा अगर विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को बुलाते हैं स्मैकडाउन में, और वो उन्हें रोमन रेंस की टीम में डालते हैं। तो आगे जाके इनकी राइवलरी हो सकती है ब्रॉक एंड रोमन रेंस की, पर फिलहाल के लिए अगर ब्रॉक लेसनर को डाला जाता है रोमन रेंस की टीम में, तो ये टीम तूफान लाएगी WWE में, और रेट्रीब्यूशन जैसे 100 रेट्रीब्यूशन को तोड़ के रख सकती है ये डेंजरस टीम। इसके चांसेस दोस्तों थोड़े से कम है, पर आपको पता ही है कि विंस मैकमैन रोमन रेंस के लिए कितने क्रिएटिव बन रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि जब ब्रॉक लेसनर आएंगे, तभी वो क्या एंगल सेट करते हैं उनके रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड जे उसो के बीच। अ फैक्शन विल बी अ डैम गुड आइडिया। और दोस्तों, बात करें गियर की, तो रोमन रेंस का गियर तो चेंज हो चुका है, आपने देखा ही है वो टी शर्ट में आ रहे हैं, पर आगे जाके उनका गियर फिर से चेंज हो सकता है, वो वेस्ट पहन सकते हैं, और उनके साथ भी जे उसो भी वेस्ट पहन सकते हैं। और अगर ब्रॉक लेसनर ज्वाइन हो जाते हैं उनकी टीम में, तो हु नोस, ब्रॉक लेसनर भी वेस्ट पहनना चालू कर दे, तो कुछ ना कुछ अटायर चेंज हमें देखने मिल सकता है अगर इनकी टीम फॉर्म होती है तो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर विंस ने ये डिसीजन लिया, तो WWE का कॉम्प्लेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगा, एंड काफ़ी मज़ा आएगा WWE देखने में। तो हमें देखना होगा कि क्या ब्रॉक लेसनर आकर फैक्शन बना पाएंगे विथ रोमन रेंस एंड जे उसो,
या फिर विंस के माइंड में कोई और ही प्लान्स है फॉर रोमन रेंस, चेउसो एंड ब्रॉक लेसनर। तो दोस्तों ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, बादशाह स्लैम का यही मीनिंग होता है, यही पर्पस होता है कि मैं अपने बुकिंग या फिर मेरी स्पेकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो लेट्स सी क्या होता है इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा ये एपिसोड ऑफ बादशाह स्लैम, एंड सेकेंड क्या आप चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस एंड जे उसो की एक टीम बने, दैट इज द न्यू शील्ड। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।